जो ईवीएम मशीन है ना, जो बटन दबा जाता है उसमें इथी नहीं हुआ है, हाँ पिक की आवाज नहीं हुआ, लाइट नहीं जरा है। वर्तमान मेयर के काल में भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास नहीं हुआ है। जो अभी वर्तमान में तो बहुत बढ़िया थे, विकास किया है। छपरा नगर निगम सहित अन्य 3 नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज वोटिंग किया जा रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि अभी हम छपरा के सारण एकेडमी के पास है और यहाँ पे कुछ वोटर यहाँ उपस्थित है हमारे साथ। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वोट किस मुद्दे पर किए हैं। हमारे साथ चाचा है, चाचा किस मुद्दे पे आप वोट किए हैं? विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे। जो छपरा नगर निगम का विकास के बारे में सोचता है और करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। वर्तमान में जो मेयर थे तो क्या लगता है कि उनके काल में विकास हुआ है? वर्तमान मेयर के काल में भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास नहीं हुआ है। जो संसाधन था उसके अनुसार विकास हुआ है। क्या वोट गिराने में भी कोई समस्या हुई? नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, वोट मुझे तो गिराने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों का शिकायत है कि बटन दबाने में कभी कभी रुकावट पैदा हो रही है, तो कंप्लेंट करने पर उसको लोग देख रहे हैं, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि जिस प्रत्याशी को आप चुने हैं वो आपके भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? अब ये तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं जिस प्रत्याशी को वोट दिया, हाँ बिल्कुल मैं मुझे भरोसा है, मैं जिस प्रत्याशी को वोट दिया हूँ ऐसा लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो छपरा के विकास में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? श्याम प्रकाश उपाध्याय। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। आप भी वोट गिराए? क्या क्या लग रहा है वोट गिराने में? आईडी लग रहा है, वोटर आईडी। वोटर आईडी, हाँ हम तो वोटर आईडी दिए हैं, ऐसे तो विकल्प है 12-13 को, लेकिन हम आईडी वोटर आईडी दिए हैं। और किस मुद्दे पे आप वोट किए हैं? हम वोट किए हैं विकास पर, अच्छा सभी पर। हाँ। और जो समाज को लेकर चलता हो। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है श्री भगवान राय। थैंक यू। तो देखिए आज सुबह 7 बजे से यहाँ जो वोटर है उनका आना जाना लगा है। ये फिलहाल ये जो केंद्र है वो पिंक केंद्र है और अभी हम सारण एकेडमी के पास है। और हर बार की भांति इस बार भी लोग विकास के ही मुद्दे पे अपना वोट किए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिन इन लोगों का जो भरोसा है, जिन प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताए हैं उनके नसीब को 2 दिनों के लिए वो ईवीएम मशीन में केंद्र कर रखे हैं, तो 2 दिन के उपरांत उनके नसीब का जो पिटारा खुलेगा तो किनके सर पे जो है जीत की मुहर लगती है ये देखने वाली बात होगी। और जो जनता की भरोसा है उस पर वो प्रत्याशी कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। अंकल ये बताइए कि आप वोट किए हैं तो कैसे प्रत्याशी को आप चुने हैं? साफ छवि विकास वाले प्रत्याशी को, जो मैंने काम करे, साफ सफाई करे, व्यवस्था ठीक दे, ठीक रहे, इस मुद्दे पर हम वोटिंग किए हैं। क्या क्या जरूरत पड़ा है वोट गिराने में? वोट गिराने में आधार कार्ड की जरूरत पड़ा है, वोटर आईडी का, मैंने हम वोटर आईडी से अपना वोट किए हैं। और कुछ लोग आधार कार्ड से भी, कुछ लोग आईडी कार्ड से, जिसके पास जो अवेलेबल है उससे करते हैं वोट। अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी रहे थे तो उन लोगों के विकास हुआ या फिर कैसा चुनना चाहते? जो अभी वर्तमान में तो बहुत बढ़िया थे, विकास किया है, उसी अथी पर आदमी वोटिंग किया है। जितने के उपरांत क्या अपेक्षा रखेंगे आप लोग? साफ सफाई, पब्लिक का काम, हम लोग का काम, सबका काम। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा मिंटू राय। और कब से ये सब शुरू हो गया है मतदान करने का? हम तो अभी आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। जब आप वोट गिराने गए थे तो कोई दिक्कत भी हुई वहाँ? 2 में दिक्कत नहीं हुआ, 1 में दिक्कत हुआ है। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हुआ है मैंने जो ईवीएम मशीन है ना, जो बटन दबा जाता है उसमें इथी नहीं हुआ है, हाँ पिक की आवाज नहीं हुआ, लाइट नहीं जरा है। अच्छा। फिर कैसे पता चला, कैसे आप संतुष्ट हुए कि आपका वोट डल चुका है? तो हम तो अभी भी संतुष्ट नहीं है।
अभी भी संतुष्ट नहीं है। आप बताए नहीं किसी को? बताए हैं, एक वहाँ स्टाफ था कोई, तो बोला है कि उसको 3-4 बार कीजिए इस तरह, तो हम किए हैं, तब लाइट आया है।